नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कालावली शहर में एक गरीब परिवार के मुखिया की मौत हो जाने पर उसके परिजनों ने शहर के दंत चिकित्सक पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रशासन व चिकित्सक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि मरने वाला एक रेहड़ी चालक है जो फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता है। कुछ दिन पहले ही उसके दांत में दर्द था जिससे उसने अपने दांत निकलवाए। डॉक्टर ने उसकी एक जाड़ निकाल दी, उस दिन की दवाई दी और दोबारा आने को कहा, लेकिन घर जाते ही उसका दर्द बढ़ने शुरू हो गया। डॉक्टर ने दूसरी जाड़ भी निकाल दी। बताया जा रहा है कि मरीज को बीपी और शुगर दोनों थे जिसकी वजह से उसके दिमागी नशे फट गई। दर्द ठीक होने की बजाय बढ़ने लगा। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता ने कर्ज लेकर के इलाज करवाया था, लेकिन शुक्रवार को उसके पिता की मौत हो गई और उन्होंने बताया कि दंत चिकित्सक की लापरवाही के कारण ही उसके पिता की मौत हुई है। कल सुबह ही मामला इतना तूल पकड़ गया कि वहां पर कालावली मंडी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। परिजनों ने उसकी लाश को पहले हॉस्पिटल के सामने रखा, उसके बाद जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वहां स्टेज तक ही वो लोग पहुंच गए, जिस कारण पुलिस को अतिरिक्त बल पुलिस बल का उपयोग करना पड़ा। मृतक की बेटी का कहना है कि ये गरीब परिवार था और अगर अमीर होता तो कार्रवाई भी होती और प्रशासन के खिलाफ सभी आवाज़ उठाते। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इसके बारे में पता चला तो वे स्वयं उनसे मिलने के लिए भी चले गए। सीएम ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ कमेटी के विश्राम गृह में मुलाकात की और उनको ढांढस बताया। बताया जाता है कि सीएम ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए सहायता राशि देने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान देने तथा उसके बेटे को DC रेट पर नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही साथ दंत चिकित्सक के खिलाफ का तुरंत कार्रवाई करने की भी घोषणा की। इसके अलावा शहर की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए एकत्र करने का आश्वासन भी दिया। कालावली के CMO डॉक्टर भूषण गर्ग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत बंद पड़े अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि फिलहाल चिकित्सक फरार है। पल पल कालावाली से विमल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट।